हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज 8.90 रुपये पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 30 पैसे शेयर बड़ा है। 3.49% आपको शेयर में इंक्रीज देखने को मिल चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे यहाँ पे कि आपको वोडाफोन आइडिया में और तेजी देखने को मिल सकती है, कि यहाँ से गिरावट आएगी, उसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों देखिए, आज 9 रुपये पे तक गया है शेयर। अगर आज का डे का हाई है तो वो 9 रुपये था। अब देखिए दोस्तों, 9 रुपये पे मैंने कहा था कि देखिए अगर 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा है। मैं आपको कल भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी और देखिए यहाँ पे शेयर में आज इंक्रीज दिखाया है। अब देखिए, 8.90 का सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। और अगर 9 के ऊपर चले जाता है कल शेयर, तो देखिए मुझे लगता है कल शेयर में आपको कल भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाइंग अच्छी हो रही है। वॉल्यूम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब देखिए, अगर आज चार्ट की हम नज़र डालते हैं चार्ट पे आज के, तो देखिए क्या हुआ। देखिए जैसे ही 9 रुपये जाता है शेयर में, आपको एक देखिए एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन देखिए वो आज दिखा नहीं। हर बार यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, हर बार 9 रुपये पे जैसे ही शेयर जाता तो एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता था, बट यहाँ पे देखिए आज हमें वो देखने को मिला नहीं। और देखिए शेयर वहाँ पे थोड़ा सा टिका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए 9 रुपये के ऊपर निकल जाता है कल शेयर, और फिर आता है 9.20 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए 9.20 से पहले टर्न अराउंड हुई थी शेयर में, फिर गिरावट चलती गई। अब यहाँ पे दोस्तों अगर 9.20 से शेयर उठ जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि देखिए शेयर अब इस हफ्ते कह सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर इस हफ्ते में देखूँ तो कितना बढ़ चुका है, इस हफ्ते आप देखेंगे करीबन शेयर में आपको 9% का इंक्रीज, माफ़ कीजिएगा 12% का इंक्रीज़ देखने को मिल चुका है। 12% शेयर इस हफ्ते चल चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेयर काफ़ी गिर रहा था और मुझे लग ही रहा था कि देखिए अगर 8 से नीचे जाता है शेयर तो यहाँ पे वापस से कैसे टर्न करता है, और देखिए 7.90 से एग्जैक्ट इसने टर्न करना चालू किया और देखिए 8.90 आज आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉशियस ट्रेड अभी भी इंपॉर्टेंट है। कॉशियस यहाँ पे आपको ट्रेड हर बार लेना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर शेयर गिरता है तो ये 9 रुपये के आसपास से गिरना चालू हुआ था पहले भी। अब यहाँ पे अगर 9 रुपये से गिरता है शेयर तो यहाँ से थोड़ी सी बड़ी गिरावट आ सकती है, बट मुझे लगता नहीं दोस्तों कि अब गिरावट आएगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड ले सकते हैं अपन, और यहाँ पे अभी भी ट्रेड की बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए जगह है। अगर हम शेयर की और टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो क्या हुआ है आखिरी मिनट में, सबसे पहले देखिए बाइंग आई है कि सेलिंग आई है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, बाइंग आई है, 2 सेल 16 बाय, ऑसिलेटर्स ने सेलिंग दिया है, बट मूविंग एवरेजेस ने दोस्तों 0 सेलिंग 16 बाय। तो यही देखेंगे दोस्तों आपकी, देखिए यहाँ पे हर जगह बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और देखिए दोस्तों यही चाहिए। अगर देखिए बाइंग ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, तो देखिए शेयर में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से दोस्तों मैंने कहा आपको कि आज बाइंग चल रही थी शेयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था शेयर का, तो यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों कल भी हमको एक एक्शन पैक डे देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब इसके दोस्तों हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉसेस की। अब देखिए क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों शेयर आ चुका है 9.12 9.20, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 8.90 के ऊपर टिका हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। 9 रुपये कल मुझे लगता है 9 रुपये का तो पार कर ही जाएगा, बट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट होगा 9.12, क्योंकि देखिए अगर ये क्रॉस कर जाता है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल, तो फिर दोस्तों यहाँ पे तेज़ी का काफ़ी अच्छा मूड बन जाएगा और शेयर फिर और भी बढ़ सकता है। और फिर दोस्तों जो अपना इसके बाद वाला रेजिस्टेंस आएगा वो 9.60 का है, 9.55 का है। ये दोनों अगर ये भी पार हो जाता है रेजिस्टेंस तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक आपको शानदार तेज़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों गिरावट कहाँ से आएगी, गिरावट आएगी दोस्तों 7.75 से। अगर देखिए अभी वापस से 7.75 से चलना चालू हुआ तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से भी टूट जाएगा शेयर तो फिर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अदरवाइज आपको वोडाफोन आइडिया में बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन दोस्तों कॉशियस ट्रेड साथ में आपको करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे लेवल्स टूटते हैं, देखिए अगर गिरता है तो फिर वापस से एक बड़ी गिरावट आ जाएगी, बट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।